हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्स बताने जा रहा हूँ ब्लू स्टार कंपनी के 500 लीटर चेस्ट फ्रीजर का। ये एक कमर्शियल चेस्ट फ्रीजर है और इसे यूजरली लोग शॉप में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए चेस्ट फ्रीजर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। यहाँ पे देखी जा सकती है ब्लू स्टार कंपनी की ब्रांडिंग और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया है। फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रोवाइड की गई इसके स्पेसिफिकेशंस, इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया है। वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर दिस चेस्ट फ्रीजर इज 230 वोल्ट्स एंड ये चेस्ट फ्रीजर 290 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। ग्रॉस वॉल्यूम इज 484 लीटर्स। इसकी नेट वेट है 65 केजी की और इसकी डायमेंशंस भी यहाँ पे दी गई है। इस फ्रीजर की एमआरपी है 36,800 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी क्विकली अनबॉक्सिंग और देखते हैं प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी और इसके इनसाइड व्यू को। और अनबॉक्सिंग करने के बाद ये है ब्लू स्टार कंपनी के 500 लीटर चेस्ट फ्रीजर का फर्स्ट इंप्रेशन। इस फ्रीजर पे प्रोवाइड की गई है 4 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। एंड बॉटम राइट साइड में आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब दिया गया है जिसे फ्रीजर एंड कूलर पे सेट किया जा सकता है। और दो एलईडी इंडिकेटर भी दी गई है। इसकी ज़्यादातर डिटेल्स आपको इसके यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी। वाटर सेंटर में प्रोवाइड की गई है ड्रेनेज पॉइंट जिसे कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है। जब भी आपको क्लीन करनी हो तो इस प्लग को निकाल दें और सारी वाटर बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आप फिर से इसे फिक्स कर दें। और यह इसकी साइड व्यू। आइए मैं इसे क्लोजली सारे साइड से दिखा दूं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। और यहाँ पे एक स्टिकर प्रोवाइड की गई है जिसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे जरूर फॉलो करें। यह आपको हेल्प करेगी इस फ्रीजर को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके इस फ्रीजर के कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर यूनिट और बाहर में दी गई है एयर वेंट्स के लिए कुछ स्पेस। और यहाँ पे देखी जा सकती है इस फ्रीजर की टॉप साइड। हार्ड टॉप चेस्ट फ्रीजर है और दो डोर प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन की स्टिकर लगी है। इस फ्रीजर को यूज़ करने से पहले आप सारी प्लास्टिक फिल्म्स को रिमूव कर दें। दोनों डोर में सेपरेट लॉक प्रोवाइड की गई है। आइए फ्रेंड्स, अब इसके डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनसाइड व्यू को।
फ्रीजर के डोर को ओपन करने के बाद ये फ्रीजर कुछ इस तरह का दिखता है। फ्रीजर के डोर को जब आप बंद करते हैं तो ये सेंटर में इस एंगल तक रुक जाता है, और ये एक अच्छा फीचर है क्योंकि हर बार आपको कंप्लीट डोर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस चेस्ट फ्रीजर के इनसाइड व्यू को, अच्छी स्पेस दिख रही है इस फ्रीजर में। दिए गए बास्केट को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कहीं पे सेट कर सकते हैं, और इसके सेपरेटर को भी निकाला जा सकता है। जो सेंटर में आप यहाँ पे एक ग्रिल देख रहे हैं उसे भी आप डिटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे कंप्रेसर यूनिट है और देखने में एक अच्छी क्वालिटी का चेस्ट फ्रीजर दिख रहा है। अंदर में भी ड्रेनेज लॉक प्रोवाइड की गई है, कुछ इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं और क्लीन करने के बाद आप फिर से इसे कुछ इस तरह से फिक्स कर दें, और इस ग्रिल को भी निकाला जा सकता है जो सेपरेटर का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, ये थी ब्लू स्टार कंपनी के 500 लीटर चेस्ट फ्रीजर की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्स की वीडियो, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए चेस्ट फ्रीजर के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।